गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स। मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ सात सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा पढ़ना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे परिभाषा होती है सर्वनाम की, परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले या तो नाम के बदले में लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसके, इसके आदि। जैसे मैं है तो मैं का भी नाम होगा, तुम हो, यह तुम है तो तुम का भी नाम होगा, वह है तो उसका भी नाम होगा, उसके, उसके शब्द है तो उसके जो होगा उसका भी नाम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। सर्वनाम के मुख्यतः छह भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? छह। मतलब सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या कोई अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बातें की जा रही हो के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का परिभाषा है, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। कहने का मतलब जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है प्रथम उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, इस, हमारा आदि, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा, तुम, सब आदि। इसका मतलब जिससे बात हम करते हैं, जिस व्यक्ति से हम बात करेंगे तो सुनने वाला क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है, मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगा? अन्य पुरुष। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, उन्हें, उसे, जिन, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ज्यादातर समस्त कारकों का प्रयोग होता है, परंतु संबोधन कारक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इन कारकों का प्रयोग मुख्यतः एकवचन और बहुवचन के रूप में होता है। जैसे कर्ता कारक एकवचन में मैंने, तुमने, उसने, इसका बहुवचन होगा हमने, आपने, उन्होंने। कारक, इसका एक वचन होगा मुझको, तुझको, उसको, बहुवचन होगा हमको, तुमको, उनको। करण कारक, इसका एक वचन मुझसे, तुमसे, उससे, बहुवचन होगा हमसे, आपसे, उनसे। संप्रदान कारक, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए, एक वचन हो गया, इसका बहुवचन होगा हमारे लिए, आपके लिए, उसके लिए। अपादान कारक, एक वचन है मुझसे, तुझसे, उसके, इसका बहुवचन है हम से, आपसे, उनसे। संबंध कारक होगा, इसका एक वचन मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसकी, उसके, बहुवचन होगा हमारा, हमारे, हमारी, आपका, आपके, आपकी, उनका, उनके, उनकी। अधिकरण कारक, एक वचन होगा मुझ पर, तुमसे, तुझ पर, बहुवचन होगा हम पर, उन पर, उनमें। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ,
खुद निजवाचक हो गया। रमेश अपनी दवाई स्वयं लाता है तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय वाचक सर्वनाम जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है वह दूर की हो या समीप की, मतलब वह वस्तु या व्यक्ति दूर की हो या नज़दीक का, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह ताजमहल है, यह मेरी किताब है, वह क्या है? निश्चयवाचक हो गया। यह क्या है? निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण है, देखो वह कोई वस्तु पड़ी है। यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक हो गया, क्योंकि इससे कोई वस्तु बोल रहा है, वस्तु का कोई निश्चय नहीं क्या है वस्तु। इस पैकेट के अंदर कुछ है, इस पैकेट के अंदर कुछ है, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। पैकेट में क्या है पता नहीं है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों द्वारा एक का दूसरे से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी संबंधवाचक हो गया। मेहनत का फल मीठा होता है, का फल संबंधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो किस प्रश्नवाचक हो गया। ये फुटबॉल कौन खेल रहा है, कौन जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब मैं आपको पाठ 7 सर्वनाम का प्रश्न उत्तर और बुक का, किताब का अभ्यास बताने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है और जो एक्सरसाइज है, किताब की एक्सरसाइज है, उसको बुक में पूरा करना है। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखा है। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उन, उसके, इसके आदि। ये शब्द क्या हैं? संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए सर्वनाम हो गए। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उत्तर लिखेंगे, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और आपको नंबर डाल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख करके ये सब लिख लेंगे। पहले नंबर पर पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, 6 नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, जो खुद शब्द है मैं की निजता को दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 5-5 उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, निजवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। जैसे वह ताजमहल है तो वह शब्द निश्चयवाचक हो गया। दूसरा है, यह मेरी किताब है, यह निश्चयवाचक हो गया। ये मेरे पिताजी हैं, ये जो शब्द है निश्चयवाचक हो गया। चौथा नंबर है, वे सब खिलौने हैं, तो वे जो है निश्चयवाचक है,
यही मेरा परम मित्र है, यही शब्द जो है निश्चयवाचक है। अब लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे देखो कोई वस्तु पड़ी है, तो कोई वस्तु, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। दूसरा है इस पैकेट के अंदर कुछ है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, क्योंकि क्या है वो निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। तीसरा है कक्षा में कुछ मित्र हैं, तो कुछ भी अनिश्चय है, क्योंकि कितने छात्र हैं कोई ठिकाना नहीं, इसलिए कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। इस घर में कोई रहता है, कोई भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। यह आदमी किसी काम का नहीं है, यह आदमी किसी काम का नहीं है, किसी भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तीन भेद होते हैं, उत्तर तीन, या तो पूरा लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला एक को ये मेरा घर है, मेरा कर देंगे। मैंने अपना समस्त कार्य पूरा कर लिया, यहाँ पर हम कर देंगे। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं। अगला है उसने अपना गृह कार्य स्वयं भर देंगे, पूरा कर लिया। लास्ट वाले में उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, उसके भर देंगे। निम्नलिखित सर्वनामों के वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो भारत मेरा देश है, मेरा पुरुषवाचक हो गया। निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो खुद निजवाचक हो गया। निश्चयवाचक, वह मेरा दोस्त है, वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है देखो वहाँ कोई है, कोई अनिश्चयवाचक हो गया। संबंध वाचक सर्वनाम, सत्य की जीत होती है, ये क्या लिखा है, सत्य की जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, तो संबंध वाचक हो गया। इसमें प्रश्नवाचक है तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। निम्न शब्दों के सर्वनाम लिखिए। मैं पुरुषवाचक, यह निश्चयवाचक, उसे पुरुषवाचक, कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ये किसी, ये भी अनिश्चयवाचक होगा, जिसे पुरुषवाचक होगा, अपने आप ये निजवाचक होगा, ये निजवाचक होगा, ये मुझे, मुझसे, ये पुरुषवाचक होगा, ये पुरुषवाचक, तेरा पुरुषवाचक होगा, ये तुम पुरुषवाचक होगा, सब निश्चयवाचक, हमारा पुरुषवाचक।